हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एसी टेलीकॉम की तरफ से। आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम की फेसबुक पेज लाइव या यूट्यूब में। हमारे साथ में हैं दुर्गेश सर और हमारे साथ में हैं हमारे 28 अगस्त की बैच की स्टूडेंट। ये सारे जो बैच की स्टूडेंट है ये पूरे के पूरे नेपाल से है, मतलब हमारे इंडिया से नहीं है, आउटडोर कंट्री है। तो मैं इनसे बात करूंगा थोड़ा बहुत, इन्होंने जो यहाँ पे आके सीखे हैं काम, ये सीख पाए हैं कि नहीं पाए हैं, या तो फिर सीखे हैं तो कितना सीखे हैं, या क्लास में क्या सीखे हैं, इन लोगों के फ़ोन ये खुद रिपेयर कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ जानकारी लेते हैं थोड़ा बहुत। देखते रहिए। क्या नाम है आपका? सुमित भंडारी, नेपाल बड़ा। आप कितने दिन से इस लाइन में हैं? लगभग तपाईँको 5-6 वर्ष देखि छु यो लाइनमा। 5-6 साल हो गया आप इस लाइन में है। yes, अच्छा बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ 30 दिनों की? तो 5-6 साल से 30 दिन का कम्पेयर गर्दा जो 5 वर्ष मैले अगाडि गरेको थिएँ र यो आज 30 दिनको जुन छ यो 30 दिन धेरै अगाडि छ 5 साल भन्दा। मतलब अब ये कहने इतना मैं समझ में आया कि ये 5 साल और ये 30 दिन के अगर कंपेयर करें तो 30 दिन भारी पड़ जाएगा, है ना। चलिए, और मैं पूछूंगा आपसे थोड़ा बहुत कि नेपाल से अगर कोई आना चाहे yes, तो क्या करना होगा उनको? नेपालबाट जो कोही पनि आउन चाहनुहुन्छ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो छ एसिया टेलिकम भनेको, इन्डियाको नम्बर 1 पर्छ यहाँ, मलाई लाग्छ। अरू कुनै इन्स्टिट्युट छैन यो यहाँ जस्तो। तपाईँको आउँदाखेरि तपाईँको बोर्डर लाइनमा आउनुहोस्। अब कहाँबाट आउनुहुन्छ तपाईँ? काठमाडौँबाट आउनुहुन्छ भने सुनौलीबाट आउँदा हुन्छ। अनि तपाईँको कोशी ब्यारेक, तपाईँको इटरी सुनसरीबाट आउँदाखेरि यता भेन्टाबारी साइडबाट आउँदा हुन्छ। अनि तपाईँको यता हाम्रो झापाबाट आउनुहुन्छ, मोरङबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँको जलपाइगुडी स्टेसनबाट आउन सक्नुहुन्छ यहाँ आउँदा। और हार्डवेयर सफ्टवेयर UMC तिनों कैसा रहा? एकदम राम्रो छ सर, जुन सोचेर आएको थिएँ मैले, सोच्नुभन्दा त कयौँ गुणा अगाडि छ, एकदम राम्रो छ, मलाई बेस्ट छ, बेस्ट। चलिए हम और एक स्टूडेंट से बात करते हैं, ये भी हमारे नेपाल से हैं। क्या नाम है आपका? बाबूराम चौधरी। बाबूराम जी बताइए क्या कैसा रहा सफ़र आपका? सर यहाँ का सफ़र जो 23 दिन की वो मेरे 9 साल उधर काम किया था उसमें भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया। जो पहला काम करते थे वो यूट्यूब के नॉलेज से कर रहे थे, अब जो यहाँ से जाएंगे काम करेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ विथ बेस्ट टूल्स के साथ काम करेंगे सर। अच्छा, टूल होना जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है सर, जरूरी है, जरूरी है। और उसके बाद प्रैक्टिस करना कितना जरूरी? प्रैक्टिस तो 100% चाहिए सर, कोई भी चीज देख कर नहीं बनेगा, उसके लिए आपने हाथ से खुद करना पड़ेगा, सिर्फ रखने पर नहीं बनेगा। जो सर ने दिए आइडिया ट्रिक्स, न्यू ट्रिक्स और अपनी नॉलेज वो इस्तेमाल करेंगे तो सेट बन जाएगा सर। चलिए ठीक है, और दो स्टूडेंट से बात करते हैं जो बात करेंगे हमारे दुर्गेश सर। तो हेलो, हमारे साथ अपना नाम और कहाँ से? मेरा नाम बलराम मंडल हो, मैं नेपाल बड़ा। तो ये सभी स्टूडेंट नेपाल से ही हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए बताइए आपका फर्स्ट डे से लेकर के हार्डवेयर का सेक्शन कैसा रहा? हमारो शुरूदेखि का अंतिम सम्म एकदम राम्रो, पूरे मोबाइल को बारे में पूरे नॉलेज, हार्डवेयर सफ्टवेयर देखि लिएर थ्योरी सब A1 एकदम राम्रो भयो, त्यसमा केही दुविधै छैन, हैन। भनौँ न यसमा जे होस् एदेखि लिएर जेडसम्मको जो अक्षरहरू हुन्छ नि यो सबैको बारेमा क्या A to Z सबै सिकाउनुहुन्छ यहाँनिर। त्यहाँ गएपछि सिक्न पाउँदिन, सिकाउँछ कि सिकाउँदैन, के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो त्यो मनमा चाहिँ कुनै शङ्का उपशङ्का नै रहँदैन, यहाँ एकदम राम्रो छ, ओके छ। सर ठिक है, थ्रु आउट जो भी आपने बोला शायद अच्छा ही बोला है, नहीं 100% अच्छा ही बोला है। तो चलिए मैं नेक्स्ट फ्रेंड से पूछूंगा, इनका नाम आपको नेपाल से? हाँ सर, मैं नेपाल से, मैं अजय कुमार चौधरी। तो मैं पहले बोल देता हूँ फिर आप अपने लैंग्वेज में सारा कुछ बोल दीजिएगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC का सफर थ्रू आउट। अच्छा, सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदी समझने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, हिंदी सब समझते हैं सर, मगर पढ़ाने का लैंग्वेज टफ तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ईजी है सर, इतना ईजी है ना, डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाता है। चलिए तो कैसा रहा आपका D1 से लेके अभी तक? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा गया है, यहाँ का पढ़ाने के तरीका बहुत
यहाँको पढाउने तरिका धेरै राम्रो छ सरले यस यो इन्स्टिट्युट जस्तो नम्बर हाम्रो एसिया टेलिकम भनेको नम्बर वानमा पर्छ इन्डियाको इन्डियाभन्दा पनि सब विश्वकै भनौँ न राम्रोमा पर्छ र यहाँबाट कोही पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने कोही पनि मजाले आउन सक्नुहुन्छ किनकि यहाँ तपाईँले ठगिनु हुनुहुन्न किनकि यहाँ भनेको तपाईँले राम्रो तरिकाले सिकेर जान सक्नुहुन्छ र तपाईँको पैसा खेर पनि जाँदैन सरले यस्तो दामीले यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ ट्रिक दिनुहुन्छ कि तपाईँलाई तपाईँले एकैचोटिमा दिमागमा सेट हुन्छ तपाईँको किनकि तपाईँले केही कुरा पनि गर्नुभन्दा अगाडि आफूमा आत्मविश्वासले गर्न गर्नुपर्छ आत्मामा आत्मविश्वासले गर्नुभयो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ ओके आई होप इन्होंने बोला है जहाँ तक समझ में आया कि जो भी ये सीखे हैं तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक सीखा है और जो यहाँ पे पढ़ाने का ट्रिक है वो भी बहुत अच्छा है राइट तो ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया और आई होप आप भी नेपाल से हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं सर जो जो भी नेपाल बड़ा आना चाहूँ वहाँ से मेरा नंबर मौसम फोन आता है सर आएगा सर आएगा यस सर तपाईँहरूको पसलमा मोबाइलहरू रिपेयर भइरहेको छैन नि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो म काठमाडौँबाट हो नेपालको मेरो नम्बर 9843752578 यसमा मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्स्टिट्युटको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो 9807029787 किस लिए भन्दाखेरि यो तपाईँको फोन रिपेयरको लागि पनि हो र यदि तपाईँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र म वे वा वाट बाटो कसरी के गर्ने भनेर सबै डिटेलमा दिन सक्छु तपाईँहरू यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर 9816316686 र रिपेयर गर्नको लागि पनि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर यही हो तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ आउनको लागि के कसो हो कस्तो तरिका हो भनेर सबै डिटेल्स तपाईँले म दिनेछु यहाँनिर यदि अब तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने यसमा के छ भने यहाँ सिक्नको लागि प्लस के अरे कहाँबाट कसरी जाने कुन स्टेसनबाट यो जबलपुर आइपुगिन्छ इन्फर्मेसन यहाँ फुल के अरे यो सबै म दिन सक्छु मेरो नम्बर 9804067287 हो यसमा कल गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन यो एसिया टेलिकमको बारेमा डिटेल सबै कुरोको डिटेल म बताइदिन सक्छु तो इन्होने बताए अपना कन्ट्याक्ट नम्बर इसलिए नहीं बताया कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए इसलिए भी बताया इन्होंने कि आप अपने फोन फॉल्टी फोन अगर नेपाल से रिलेटेड हैं तो आप इन्हें भेज सकते हैं और आप इंस्टीट्यूट के बारे में भी कोई डिटेल चाहिए तो ये आपको फुल डिटेल देंगे कि आपको कैसे आना है कैसे नहीं आना है और जाना है कि नहीं जाना है सब कुछ ठीक है राइट चलिए ठीक है थैंक यू सो मच बंद कर दो तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से हमारे साथ है दुर्गेश सर और हमारी 28 अगस्त की बैच की 3 स्टूडेंट है जिनका आज लास्ट फेयरवेल है थोड़ा सा पूछेंगे कि क्या कैसा सीखे क्या सी नहीं सीखे या सिर्फ फीस दे के बर्बादी खो गए यहाँ तो फिर फीस देने के बाद कुछ सीख पाए कि नहीं पाए या सीखे तो कितना देर तक सीखे ये सब पूछेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं पूछता हूँ इनसे क्या नाम है आपका अरुण कर्मकार कहाँ से हैं आप कोलकाता कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल से है थोड़ा एक दिन से बंगाली से पूछते हैं क्या है तो सर हम के एटा बोलूं अपनी जे अपनी कत दिन थे के लाइन आते दो तीन बच्चों काज करे पर कोथा है अपनी आठ का तेन जे अपने के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं यूट्यूब देखे देखे बुझते हुए चीज हमारे किसी फॉल्ट हमारे किसी जगह किसी बुझते अच्छी ना यूट्यूब देखे हमें जो सेट है ये सेट हम देखी तो एक्सपीयर हो जाए पता कि ये चीज गेले हमारा मन आसो कुछ भलो हो तो जब हम ऐसे ची ऐसे सत्य हमारे उपकार আচ্ছা এখানে এসে তোমার পয়সা বরবাদ হয়ে গেছে না প্রফিট হয়েছে না না প্রথম দিন ক্লাস থেকে বুঝে নিয়েছি আমার পয়সা উসুল হয়ে গেছে আপনার এরিয়া থেকে যদি কেউ আসতে চায় ওনাকে কি বলতে চাই অবশ্যই এখানে আসো আসলে অবশ্যই শিখতে তো পারবে অবশ্য আসলে অবশ্যই মানে কি 100% বলবো আসলে অবশ্যই সে যে কিছু জানে না সে অবশ্যই শিখে যাবে 100% থ্যাংক ইউ চলে আমি আর এক স্টুডেন্ট সে বাত করতা হুম কে নাম হ্যায় আপনার সাইরাম স্যার মেরা সাইরাম জি কহাঁ সে হ্যায় আন্ধ্রপ্রদেশ বিশাখাপত্তনম
मतलब आप मतलब साउथ से बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप? बहुत बढ़िया लगा था सर, और जो भी है अच्छा तरीका से पढ़ाया था, और जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत अच्छा से पढ़ाया था। मैं अभी पूरा बिल्कुल फ्रेशर हूँ, अभी तक मैं तो एक मोबाइल खोला भी नहीं है, लेकिन अभी से मैं ज़रूर चालू करूँगा और आगे जाके अच्छा मतलब राइट नॉलेज से मैं जाना चाह रहा हूँ। हार्डवेयर की नॉलेज या सर्किट डायग्राम की नॉलेज देव सर से कैसा मिला आपको? बहुत बढ़िया मिला सर, बहुत एंडलेस सॉल्यूशन सब मिला, तो इसको मैं डेवलप करने चाहूँगा जाके, मैं प्रैक्टिस करते करते ही इसके ऊपर मेरे को। अच्छा, प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है? और या तो फिर 30 दिन में आने के बाद क्या स्टूडेंट किंग बन जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता है, वो प्रैक्टिस ज़रूर करना ही पड़ेगा। जैसे 30 दिन में तो कुछ नहीं होगा, 30 दिन में पूरा नॉलेज मिलेगा कि कैसे राइट वे में जाने का, राइट वे में चेक करने का हर एक कॉम्पोनेंट। उसके बाद जो भी करेंगे पूरा प्रैक्टिकल अपन को ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा इतना। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास चलता है ओनली थ्योरी होता है कि साथ में प्रैक्टिकल किया जाता है, या तो फिर प्रैक्टिकल किया भी जाता है तो किस लोगों की फ़ोन होता है, या स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पहले से वो फोन तैयार करके रखता है? नहीं सर, वो तो नहीं है, हमारे सामने ही मतलब लाइव ही फोन सब बनाया था, और जो भी प्रैक्टिकल है वो बहुत मतलब थियरी के साथ बहुत बड़ा प्रैक्टिकल भी है। हम अपन को जितना थियरी बताएंगे उससे ज्यादा भी प्रैक्टिकल भी होते हैं इधर, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके आंध्र प्रदेश या तो फिर वाईजेक उस साइड से कोई अगर स्टूडेंट आना चाहता है तो उन लोगों को लिए क्या बोलना चाहेंगे तेलुगु लैंग्वेज? తప్పకుండా రావాలి సార్, ఎందుకంటే వితౌట్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇప్పటిదాకా, కానీ ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు నాలెడ్జ్తో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆర్ ఎక్ స్టూడెంట్ హమర్ సాథ్ తో దుర్గేశ్ సార్ బాత్ కర్ లెంగే। చలియే తో అప్నా నామ్ ఔర్ కహాన్ సే హం? సార్ మేరా నామ్ శివం చౌదరి హై, మే ఇటార్ సే ఎంపీ సే హూం। అచ్చా చలియే తో ఆప్ హమే యే బతాయే, ఆప్కా డే 1 సే లేకే హార్డ్వేర్ కా సఫర్ కైసా రహా? బహుత్ అచ్చా రహా సార్, బహుత్ అచ్చా రహా, బహుత్ శాందార్ రహా, ఉస్మే పూరే ప్రాపర్ వే మే పూరా నాలెడ్జ్ దియా గయా, హమే శురూ సే ఎండ్ తక్ కంపోనెంట్ సే పూరా బేసిక్ బతాయా గయా। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे सर ने बोला था कि 3 दिन में आपको लाइव पावर और सीपीयू करा देंगे, क्या एक्चुअल में वो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हमने चालू 4G हैंडसेट से पहले पावर निकाल के लगाया, और 4th डे में सीपीयू भी निकाल के लगाया, और मोबाइल भी हमारा ऑन रहा डेट भी। तो ट्रेसिंग का नॉलेज, स्कीमेटिक का नॉलेज कैसा मिला? बहुत बढ़िया सर, मतलब जो अच्छे से अच्छा वे हो सकता था वो प्रो लेवल में हमको बताया गया, ताकि हमको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर भी बहुत शानदार सर, पहले सॉफ्टवेयर से डर लगता था, लेकिन हमारे दुर्गेश सर ने इतना अच्छा नॉलेज दिया, शायद ही हमको कहीं मिल पाता, बहुत अच्छा होता है सर। ऐसा तो नहीं लगा केवल यूट्यूब का नॉलेज? नहीं नहीं सर, बिल्कुल, जो मतलब अपने डेली टेबल पे हम जो फेस करने वाले हैं या जो करते हैं, पूरे जो एरर आते हैं उसकी सारी एक एक चीज़ें हमको बिल्कुल क्लियरली बताई गई। उसके बाद फिर आपको मिलन सर के साथ कैसा सफर रहा? मिलन सर के साथ UMC का सफर भी बहुत अच्छा रहा सर, कम से कम स्टूडेंट के 50+ सेट होंगे, उसी पर सर पूरे मतलब फॉल्ट फाइंड आउट किए गए, उसी पर लाइव बनाए गए, पूरा दिखाया गया टेबल पे आपको क्या दिक्कतें आने वाली है, आपको कैसा क्लियर करना है, पूरी सारी चीज़ें बताई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश, और आज हमारा फेयरवेल का डे है, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे इनसे पूछेंगे कि डे 1 से लेकर के अभी तक का सफर इनका कैसा रहा। तो चलिए, अपना नाम और कहाँ से हैं? मैं शकील अहमद, UP बिजनौर से। चलिए, डे 1 से अगर मैं बात करूँ, जब देव सर की क्लास थी तो सर ने एक वादा किया था कि 3 दिन में हम आपसे पावर और CPU निकलवा के लगवा देंगे, तो क्या ये हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ट्रेसिंग का नॉलेज हुआ, स्कीमेटिक का नॉलेज हुआ, सर्किट का नॉलेज हुआ, कैसा लगा? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इतना कुछ लेकर के जा रहे हैं कि जो हमें अब कभी उम्मीद भी नहीं थी इतनी कि हाँ जा नहीं रहे। अब यहाँ से आने के बाद आपको आना भी है? हाँ, 2 महीने 3 महीने ऐसा कुछ फीस लिया जाएगा क्या? नहीं, कोई फीस नहीं, ये कहीं और हो सकता है, लाइफ टाइम बैकअप है, लाइफ टाइम है। कैसा रहा हार्डवेयर का दिवसर के साथ? बहुत सर, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का आपके साथ बहुत अच्छा सफर रहा सर। मतलब सीखने को मिला या नहीं मिला? बहुत कुछ, बहुत कुछ सर, बहुत कुछ मिला। और फिर मिलन सर के साथ आपका रहा MMC का कैसा सफर? बहुत बेस्ट। ब्लैक पेस्टेड बात करूँ,
अप्रूवल टेकर बात करूं, प्रोग्रामिंग की कोई टेंशन नहीं उसकी, आराम से चेंज प्रोसेस की बात करूं वो भी आराम से कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, तो अपना नाम और कहां से? सर मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से। राजस्थान से है तो नितिन जी आप हमें ये बताइए डे वन से देव सर के साथ कैसा सफर रहा? सर बहुत अच्छा सफर रहा हमारा, तो सर्किटों का नॉलेज हुआ, स्कीमेटिक का नॉलेज हुआ, ट्रेसिंग का नॉलेज हुआ, कैसा रहा यहाँ पे? सर बहुत अच्छा रहा, हमें मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हमें नॉलेज मिली यहाँ पे। कंपोनेंट की फाइंड आउट करना, कंपोनेंट को पहचानना कैसा? सब क्लियर है सर। चलिए उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर रहा, तो सॉफ्टवेयर की क्लास कैसी रही? एक नंबर का बढ़िया क्लास रहा हमारा, हम संतुष्ट हैं सर। अच्छा उसके बाद अगर बात करूँ एमएमसी में ब्लैक पेस्टर डुअल टेकर प्रोग्रामिंग और ये सारा कुछ कर पाएंगे नहीं कर? जी बिल्कुल। कैसा रहा मिलन सर के साथ? बहुत अच्छा मिलन सर के साथ, बहुत अच्छा रहा, इंडिया नंबर वन टेक्नीशियन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सर पूछेंगे कैसा रहा थ्रू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी नाहर सिंह, राजस्थान से। राजस्थान से, अच्छा आप इस लाइन में कितने दिन से हैं? सर इसमें करीब 3 साल से हूँ। 3 साल से आप इस लाइन में हैं, आप कहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि आपको आना पड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ा? सर काम तो कर रहे थे सर, पर नॉलेज नहीं था, ICB निकालना नहीं जानते थे, मतलब कुछ नहीं था, जीरो था। मतलब क्या करना है फ़ोन में, कौन सा IC क्या काम करता है क्या नहीं है? अच्छा आपको अगर मैं अभी एक बोर्ड दे दूँ और इसमें आइडेंटिफाई करने बोलूँ कि ये कौन सा IC है, ये कौन सा IC है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कर पाएंगे? सर पूरे बोर्ड को बता देंगे कौन सी IC क्या काम करती है और कौन सी IC कहाँ लगी होती है, सब कुछ नॉलेज है सर। अच्छा मैं बोलूँ सारे IC को आपको रीफिक्स करना है तो भी कर पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर हार्डवेयर की जो डायग्राम की नॉलेज है वो कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, उसका नॉलेज अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर। उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्लास कैसा रहा? सॉफ्टवेयर का भी सर पहले कुछ नहीं आता सॉफ्टवेयर में, पर अब सर सॉफ्टवेयर हम क्लियर है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी दिक्कत आएगी सॉफ्टवेयर हैंड टू हैंड कर देंगे। तो उसके बाद आपने MMC VC का? MMC कैसा रहा सफर? MNC सर बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया सर। अच्छा आप अगर कहीं फंसेंगे, मान लीजिए ऐसा तो नहीं होता है सारा चीज़ मैं दिमाग में लेके चले जाता हूँ, कोई भी स्टूडेंट सारा चीज़ दिमाग में नहीं लेके जाता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत फंसता ही है, तो इसके लिए SA टेलीकॉम आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सर बैकअप दिया है हमारे लिए, हम कभी भी आ सकते हैं, हमें जैसे दिक्कत आएगी तो हम आ सकते हैं दोबारा के लिए। अच्छा बैकअप जो आएंगे उसके लिए क्या फीस देना पड़ेगा क्या? नहीं सर कोई फीस नहीं है, ये सब फ्री है। फ्री? हाँ सर। अच्छा चलिए, ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सर होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो उसका लाइफ टाइम हाथ पकड़ के रखना होगा, है ना, क्योंकि वो अपना जीवन का 30 दिन आपके पास बिताया है और कुछ फीस भी आपको दिया है, जिसके कारण आपको उसके ज़िंदगी भर हाथ थाम के रखना होगा, जिसके लिए हमारा SA टेलीकॉम आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट हमारे साथ ले सकते हैं, हर महीने कभी भी आ सकते हैं, तो ये सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना? सर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर ये। अच्छा आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहिए? सर यही बोलेंगे सर, जो भी आना चाहता है वो बेशक आ सकता है, अगर काम सीखना है तो आ सकता है। चले थैंक यू वेरी मच आप सभी। सर कितने घंटे पढ़ाते हैं? 12 घंटे से ऊपर भी आता है, ऐसा तो नहीं होता है कि चलो 8 बज गए 6 बज गए चलो बंद करो क्लास चलो, नहीं सर हमसे मतलब है कोई भी चीज़, जब तक काम खत्म नहीं होगा हमें सर्टिफाई नहीं हो जाते, सारे स्टूडेंट सर्टिफाई नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे। तो चलिए थ्रू आउट पहले अपना नाम और कहाँ से आप? मैं पवित्र गिरी हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा वेस्ट बंगाल से है, तो आप हमें ये बताइए कि कैसा रहा डे वन से लेकर हार्डवेयर का सफर देव सर के साथ? डे वन से लेकर लास्ट तक मतलब जो भी सफर है जो भी देव सर के साथ देव सर के साथ बहुत अच्छा रहा है, हार्डवेयर बोलो उसके बाद जो डायग्राम बोलो उसके बाद जो भी थ्योरी क्लास है बहुत अच्छी की बात करें सब अच्छा दिया है। कैसा रहा? सब अच्छा दिया है, प्रॉपर नॉलेज के साथ दिया है। ऐसा तो नहीं लगा किसी दिन क्लास में बोर हो रहे हो? नहीं सर कब ना मतलब क्लास में जब आ जाता था कभी पता नहीं चलता था क्लास खत्म हो गया क्या दिन खत्म हो गया पता नहीं चलता था। ओके तो उसके बाद आपने यहाँ पे लाइव 4G पावर पे और CPU पे काम किया? यस सर 4th दिन में लाइव पावर CPU निकाल के लगाया। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर क्लास कैसा रहा आपका? सॉफ्टवेयर क्लास भी अच्छा है, जो इधर का शहर का जो पढ़ाने का टेक्निक है वो छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड करके बताता है, एक दिन में नहीं जो सॉफ्टवेयर का क्लास हो जाता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके बताया जाता है, कोई भी आसानी से समझ सकता है कोई भी जान सकता है। आपने सीखा या नहीं सीखा? मैंने ज़रूर सीखा है, कभी मतलब पहले सोचता था सॉफ्टवेयर मेरे से नहीं होगा क्या नहीं होगा इसका क्या होगा, लेकिन अभी इधर आने के बाद पता चलता है जो सॉफ्टवेयर हो सकता है, इधर से ट्रेनिंग लेने के बाद कोई भी कर सकता है।
कर सकता है। चलिए उसके बाद फिर मिलन सर के साथ कैसा रहा सफर? मिलन सर के साथ, मिलन सर इतना अच्छे से पढ़ा दिया है, मतलब ईएमएमसी का मतलब रिपेयर कोई मतलब डाउट नहीं रहे, रिपेयरिंग का सेक्शन जो है ना, रिपेयरिंग कैसे करता है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करता है, बैकअप कैसे करता है, वो तो मतलब इजी हो गया। यूएफआई चलाना, यूएफआई चलाना, यूएफआई का इंटरफेस पहले देखते थे आप कभी? नहीं, अबे सुना था लेकिन देखता नहीं। अभी इंटरफेस कैसा लगता है? मैं 4 दिन यूज किया हूं, इंस्टीट्यूट से मिला था यूएफआई, यूएफआई लेके मैं 4 दिन यूज किया हूं, उसके बाद वो मतलब अच्छा लगा। मैं अभी जब खरीदूंगा ना तो एक बार में मैं चला सकता हूं इसको, एक बार में चला सकता। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका नाम कहां से है? जयजननाथ, मेरा नाम पीतवास गौड़ा, उड़ीसा बरमपुर। उड़ीसा से हैं आप, तो चलिए आप हमें ये बताइए थ्रू आउट फर्स्ट डे से हार्डवेयर का सफर कैसा रहा? सर बहुत इजी रहा, और मैंने जो पिछले जो रिपेयरिंग किया था जहाँ जहाँ वो फंसता था उससे बहुत इजी हो गया। इजी हो गया, ट्रेसिंग का नॉलेज, कंपोनेंट का नॉलेज और सर्किट डायग्राम का नॉलेज? हाँ सर बहुत बढ़िया था। एंडलेस मिला कि नहीं मिला? हाँ सर बहुत मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर बहुत इजी, सर बहुत इजी रहा, बहुत इजी रहा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सर, फिर मिम्सी क्लास कैसी रही आपकी, ब्लैक क्रिस्टल गूगल टेक? हाँ सर वो भी बहुत इजी था, बहुत इजी था। हाँ, सर ने जो सिखाया वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ में आया। चलिए ठीक है, लास्ट सर पूछेंगे कैसा रहा। क्या नाम है आपका? गणेश सिंह, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से, बताइए सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सफर रहा, 28 अगस्त से अच्छा सफर रहा, जो सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ हमें, सॉफ्टवेयर हो गया और एएमसीक्यू हो गई, हार्डवेयर हो गया, ट्रेसिंग हो गई, सभी कुछ सीखने को मिला। एज मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला यहाँ से। तो यहाँ पे जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? नहीं बिल्कुल मिला यहाँ के, जो भी मैं सोच के आया था, कह भी रहे थे इतने दूर क्यों जा रहा है, यहाँ नज़दीक है, मैंने कहा नहीं मुझे वहीं जाना है, तो मुझे जो सोच के आया था वो मिला मुझे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। आने वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहिए? आशा बिल्कुल आए, जो सीखना चाहता है यहाँ, इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहता है वो आ सकता है, बिल्कुल आ नहीं सकता आइए, वो बिल्कुल आइए यहाँ पे। आप इतनी दूर कैसे आए आप ये बताइए, मतलब क्या देख के आए? YouTube, Facebook? सारे YouTube देख के आए। कितने सालों से वॉच कर रहे हैं? दो साल से वॉच कर रहे हैं। तो क्या सोचा कि एसए टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए? सर यहाँ पर अच्छा नॉलेज मिलता है, मैं YouTube में देखा है, मेरे दोस्त ने बोला इधर आने के लिए, इसलिए। अच्छा, दोस्त ने प्रिपेयर किया, तो अब जो दोस्त ने आपको प्रिपेयर किया था कि यहाँ पे आना है, तो वो दोस्त की बातें सही निकली या गलत निकली? सही निकला सर। सही निकला जी सर। तो अगर आप भी किसी को रेफरेंस देंगे कि एसए टेलीकॉम ज्वाइन करो, तो उन्हें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना? जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट डे से हार्डवेयर का कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया सर, हार्डवेयर बहुत बढ़िया। मीन्स सीखने को मिला या नहीं मिला? 100% मिला, 100% मिला यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हार्डवेयर में ट्रेसिंग का, कंपोनेंट का और सर्किटों का नॉलेज कैसा मिला? बढ़िया मिला सर, मिला यहाँ अच्छा तरीके से, एंडलेस सॉल्यूशन मिला जी सर। उसके बाद सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सॉफ्टवेयर सर बहुत है, मैं पहले सॉफ्टवेयर का काम नहीं किया है, पहली बार किया हूँ जी जी, अभी समझ में पूरा आ गया, आ रहा है ये सर, कर पाएंगे अभी ये सर। चलिए उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद एमएमसी क्लास रही, तो कैसा रहा मिलन सर के साथ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मीन्स सर ने हर एक चीज़, अगर मैं यूएफआई का इंटरफेस के बारे में बात करूँ तो कैसा रहा, उसको चला पाएंगे, रीड्राइट कर पाएंगे? अभी कर चला पाऊंगा, पहले तो मैं देखा ही नहीं था यूएफआई। अच्छा, कैसे देखा ही नहीं था जब सॉफ्टवेयर ही नहीं किया था, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए थ्रू आउट आपका नाम? मेरा नाम राजू है सर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इतनी दूर से टेलीकॉम क्या सोच के ज्वाइन किया सर? नॉलेज लेने के लिए। तो वो आज आपका फेयरवेल है, नॉलेज मिला कि नहीं मिला? सर बहुत कुछ मिला है सर, बहुत कुछ मिला सर। डे वन से बताइए, आपको जो बोला गया था 3 दिन में लाइव पावर और सीपीयू निकलवा के लगा देंगे, क्या एक्चुअल में वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, सेट ऑन भी हो गया सर, सेट ऑन भी हुआ सर। तो चलिए डे वन से देव सर के साथ कैसा रहा हार्डवेयर? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। सर ने हर एक चीज डीप नॉलेज, डीप पूरा पूरा डीप नॉलेज सर। चलिए उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर, पहले मैं सॉफ्टवेयर करता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, हार्डवेयर सिर्फ थोड़ा नॉर्मली कनेक्टर कम हो ये हो, लेकिन अब जाने के बाद पूरा काम करूंगा। तो चलिए अब उसके बाद अगर मैं बात करूं मिलन सर के साथ एमएमसी का सफर कैसा रहा? तो बहुत बढ़िया रहा सर, मिलन सर के साथ बहुत बढ़िया रहा सर, एंडलेस। ब्लैक पेस्टेड जैसे हलवा बोले तो वो हुआ कि नहीं? हुआ सर, बोले इजी इजी से निकाले सर, ड्यूअल टेकर भी, ड्यूअल टेकर भी किया। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह हो, नेपाल बाट हो। नेपाल से हैं आप? अब बताइए नेपाल से इतना दूर आने का क्या मकसद है आपका? सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आया। ये नॉलेज मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, पूरे इंग्लिश नॉलेज मिला है सर।
अच्छा, ये हम पे ऐसा तो नहीं है आपके, जैसे मैं क्लास की थोड़ा बहुत बात करूं, अगर मान लीजिए क्लास क्या टाइमिंग से शुरू होता है या क्या होता है? हाँ सर, पूरे टाइमिंग डिसप्ले डिसप्लिन यहाँ पर इतना है कि सोच भी नहीं सका था। क्लास की जो ख़त्म होने की टाइमिंग हो रहता है क्या कुछ? नहीं 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 सर, नहीं। वो क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि 6 बजे मतलब 6 बजे बंद? नहीं सर, क्लास के ऊपर डिपेंड करता है सर। कभी कभी कितना टाइमिंग हो जाता है? कभी कभी 10 बजे जाता है, कभी 11 भी बज जाता है सर। अच्छा, कैसा मतलब डे वन से जैसे आपने आए और सबसे पहले तो थ्योरी की क्लास किए, थ्योरी देव सर के साथ, थ्योरी मतलब जो भी हार्डवेयर की सेक्शन है वो चाहे लाइट ग्राफिक्स हो जाए, नेटवर्क हो जाए, चार्जिंग हो जाए, वो सारे कैसा रहा सफर? सर बहुत बढ़िया रहा सर, हम तो इस लाइन में प्री फ्रेशर थे सर, हम स्टार्टिंग किए अभी से। एक दो दिन दिक्कत हुआ, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ एक दो दिन, लेकिन उसके बाद पूरे सरल हो गया और बहुत अच्छा क्लास हुआ। उसका सॉफ्टवेयर की क्लास का सर? सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा। हाँ, सॉफ्टवेयर की क्लास करने के बाद आपने MMC ज्वाइन किया, MMC कैसा रहा सफर? MMC बहुत अच्छा सर, सबसे आसान MMC लगा सर, सबसे आसान। हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं यही पूछना चाहूँगा, आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आए सर, बिल्कुल आए। हाँ सर। अच्छा, ये जो आते हैं दुकान बंद करके टाइम वेस्ट करके आते हैं, तो इसका ये टाइम वेस्ट बोलना बोलेंगे क्या? टाइम वेस्ट नहीं है सर, ये एक महीने सर बहुत कुछ आता है सर, इनमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं है सर, क्योंकि अगर एक महीने हम कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी। सही बात है सर, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं आपको अब सर नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अरे अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?